मित्र शशि रंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कन्या राशि सितंबर 2023 कैसा रहेगा इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपकी यह जन्म राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी राशि कन्या है तो ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो भी ग्रह के गोचर के अनुसार फल होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वही चीज मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति क्या है, तो मंगल आपके लग्न प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, केतु द्वितीय भाव से, शनि षष्ठम भाव से, राहु और गुरु अष्टम भाव से, शुक्र आपके एकादश भाव से और सूर्य और बुध आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य लग्न से देखा जाता है और लग्न का स्वामी बुध आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। सूर्य के साथ हैं 17 सितंबर तक। बुधादित देव योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन 12वां घर अच्छा नहीं माना जाता है, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम सितंबर के महीने में थोड़ा डाउन हो सकती है, जिससे थोड़ी सी आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। अगर विदेश से कारोबार है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, आपके लिए विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए उत्तम समय है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टि से थोड़ी सी परेशानी आपको दिखाई दे रही है। अगर संतान की बात करें तो संतान आपके पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी शनिदेव आपके षष्ठम भाव से गोचर कर रहे हैं और शनिदेव षष्ठम भाव में अच्छा माना जाता है। और वक्री है तो वो आगे घर पीछे मतलब पंचम भाव का भी फल देंगे, तो संतान से प्रति आप खुश रहेंगे, उनके प्रति कोई आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी, आपको उनके प्रति आपको सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, खुशियां मिलेगी। और अगर जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए भी पंचम भाव से देखा जाता है, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये समय अच्छा है, पढ़ाई में उनकी मन लगेगी और अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा है तो उसमें भी सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। लेकिन बुध आपके जो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं थोड़ा मन को डाइवर्ट करेंगे, एकाग्रचित नहीं होने देंगे मन को, थोड़ा ये कभी पढ़ेंगे कभी कभी मन कहीं किसी और जगह भागेगा, इस तरह की संभावनाएं देखने को मिल रही है। प्रेम प्यार की बात करें तो प्रेम प्यार भी पंचम भाव से देखा जाता है, तो प्रेम प्यार में आप इतना अपने आप को मत डिवोट कर दीजिए ताकि आप आपके जो प्रेम जिससे प्रेम कर रहे हैं वो लड़का है लड़की, उसके सामने आप गिर मत जाइए। अगला तो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा और अच्छे डिस्टेंस पर आपके साथ तालमेल रखेगा, लेकिन हो सकता है कि आप ज़्यादा झुक जाएं, ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगला उसका गलत सोच सकता है, गलत फायदा उठा सकता है। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका सप्तम भाव से देखा जाता है और सप्तम भाव के स्वामी गुरु अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानी आ सकती है, दोनों के विचार वैचारिक मतभेद हो सकते हैं या किसी बात को लेकर दोनों के बीच तानातानी तूतु मैमे की भी स्थिति बन सकती है। और उनके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा आप सितंबर के महीने में ख्याल करें। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य नवम भाव से देखा जाता है और नवम भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य का तो साथ आपको मिलने जा रहा है, भाग का साथ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा, धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं भी बढ़ेगी। और करियर की बात करें तो करियर दशम भाव से देखा जाता है और दशम भाव के सामने बुध द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, काम तो आप करेंगे, जो कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन अपने काम के प्रति उतना डिवोटी आप नहीं होंगे, मन लगा के काम नहीं करेंगे, क्योंकि बुध आपके मन को विचलित करेंगे, कभी कभी मन मैंने काम करेंगे लेकिन तन मैंने पूरा एक कंसंट्रेट होकर नहीं करेंगे,
और जिसके कारण जो आपका इमीडिएट बॉस है उससे आपके थोड़ी आपके काम से वो डिससेटिस्फाई हो सकता है, तो इसका थोड़ा ख्याल आप करें। अगर लाभ और भरे भाई बहनों डिजायर की बात करें तो वो एकादश भाव से देखा जाता है, और एकादश भाव के स्वामी चंद्रमा हर सवा दो दिन पर अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो आपका मन भी बहुत तेजी से चलता है। लाभ हो तो लाभ हो, कोई इच्छा है तो जल्दी पूरा हो, सब्र करना आप नहीं करना चाहते तो सब्र करना सीखिए, सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत तेज गति से चलते हैं, मन बहुत तेज चलता है, जिसके कारण कभी कभी आपका व्याकुल हो जाते हैं। अगर धन की बात करें तो धन आपके द्वितीय भाव से देखा जाता है, द्वितीय भाव के स्वामी लाभ भाव पर बैठे हैं, तो धन तो आएगा, धन का आगमन होगा आपके सितंबर के महीने में। अगर माता की बात करें तो माता चतुर्थ भाव से देखा जाता है, चतुर्थ भाव के स्वामी गुरुदेव अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, यह अष्टम अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन उनकी नौवीं दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव में, तो माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, बहुत ठीक नहीं लेकिन ठीक ठाक रहेगा। भूमि वाहन की बात करें तो भूमि वाहन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किसी ज्योतिष से परामर्श लेकर करें, लेकिन भूमि वाहन भी लेने के लिए आप सोचेंगे लेकिन राहु की भी दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे, अरे नहीं लें क्या करें, अरे चलो अगला मैं देखते हैं बाद में, माने आप डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। जो भी थोड़ी बहुत परेशानी है उसे निजात पाने के लिए आप गणेश जी की पूजा करें, उनको हर बुधवार को दुर्वा चढ़ाएं, उगते हुए सूर्य को जल दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे जो भी थोड़ी बहुत कमी है उसमें आपको दिखाई देने को मिलेगी। इस तरह से कन्या राशि सितंबर 2023 के वक्तव्य पर मैं विराम लगाता हूँ। कृपया आप लोगों से अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी आगे वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अब ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य पर विराम लगाता हूँ। धन्यवाद।